सुपर साइक्लोन बहुत ही चिंता का विषय था। बंगाल जाते जाते वो उड़ीसा को भी कितना नुकसान कर पाएगा, ये हमेशा चिंता का विषय बना रहा। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्थाएं इंस्टीट्यूशनलाइज हुई हैं, गांव तक नागरिकों को क्या करना है ऐसे संकट के समय, इसकी भली भांति जानकारी होने के कारण यहाँ जीवन बचाने में बहुत बड़ी सफलता मिली है। और इसके लिए उड़ीसा के नागरिक, उड़ीसा का प्रशासन और उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्रीमान नवीन बाबू, उनकी पूरी टीम अभिनंदन के अधिकारी हैं। लेकिन जब इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा आती है तब संपत्ति का नुकसान तो होता ही है। पश्चिम बंगाल की तुलना में उड़ीसा में उतना नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जाते जाते भी वो पूंछ पटक करके तो जाता ही है ऐसे प्रकार का संकट। और इसलिए हाउसिंग में, एग्रीकल्चर में, पावर में, कम्युनिकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो नुकसान हुआ है, तो मैंने आज पूरा डिटेल रिव्यू लिया है। राज्य सरकार ने भी विस्तार से मेरे सामने सारी बातें रखी हैं। यहाँ की सरकार की व्यवस्था की तरफ से बहुत ही जल्द उसका आकलन करके रिपोर्ट भारत सरकार को मिलेगी। भारत सरकार की टीम भी तत्काल यहाँ पहुँचेगी और पूरी परिस्थिति का रिव्यू कर करके लंबे समय के लिए रिलीफ हो, रिस्टोर करने की बात हो, रिहैबिलिटेशन की बात हो, इन सारी चीज़ों को प्राथमिकता देते हुए काम आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन तत्काल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की तरफ से 500 करोड़ रुपया एडवांस व्यवस्था के रूप में देने का हमने निर्णय किया है और बाकी आवश्यकताएं एक बार कंप्लीट सर्वे होने के बाद, रिहैबिलिटेशन की पूरी योजना बनने के बाद